नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सौरभ पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल के अकाउंट को बिना पासवर्ड के यहाँ पे कैसे लॉगिन कर सकते हैं किसी अन्य डिवाइस में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जीमेल का अकाउंट आपके फोन में लॉगिन है लेकिन आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के अंदर बने रहे और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और साथ ही साथ इस बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों जहां पे आप देख सकते हैं हम अपने डिवाइस पे आ चुके हैं जहां पे हम अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं बिना पासवर्ड के। सबसे पहले आपको जहां पे gmail.com को ओपन कर लेना है और जहां पे अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको अपना पासवर्ड भरना होता है। तो हमें अपना पासवर्ड यहां पे नहीं भरना है या फिर हो सकता है आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहां पे सिंपली आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा जहां पे लिखा होगा डू यू हैव योर फोन, आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके दूसरे फोन पे जहां पे आपका जीमेल अकाउंट जहां पे लॉगिन है उस पे यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की कनेक्टिविटी होना जरूरी है। यस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके दूसरे फोन पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको यस इट्स मी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपको वेट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे, अपडेट पासवर्ड और कंटिन्यू। तो यहां पे हमने अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना है, हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जीमेल अकाउंट यहां पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। जीमेल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जीमेल जहाँ पे सक्सेसफुली बिना पासवर्ड के यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।